बेशक आज हमारे पास स्कूटर्स, बाइक्स, कार आदि जैसे तमाम निजी साधन उपलब्ध हैं, लेकिन इन सबकी बढ़ती भीड़ के बीच भी सैकड़ों सालों से चली आ रही साइकिल की लोकप्रियता में कभी कोई कमी नहीं आई। एक दौर तो ऐसा भी था जब साइकिल खरीदे जाने पर पूरा गांव ही नहीं, दूर दराज के लोग भी उसे देखने पहुंचा करते और बाकायदा साइकिल की पूजा करने के बाद ही साइकिल मालिक उसकी सवारी करता। साइकिल के पहिए तब ना जीवन की रफ्तार बढ़ाने का काम करते थे बल्कि हमारे सपनों को भी एक नई उड़ान दे दिया करते थे। और उस उड़ान को पंख देने वाली साइकिल कंपनियों में जिस कंपनी का नाम सबसे पहले लिया जाता है वह नाम है हीरो साइकिल का। क्या बड़े और क्या बच्चे, हीरो साइकिल तब से लेकर अब तक हर किसी की चहेती और भरोसेमंद कंपनी रही है। हालांकि आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि साइकिल निर्माण में रिकॉर्ड कायम करने वाली इस कंपनी की शुरुआत उधार के रुपयों से हुई थी। क्या है कहानी हीरो साइकिल की, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास श्रृंखला बिज टॉक्स। हीरो साइकिल कंपनी की शुरुआत, संघर्ष और सफलता की बात करने से पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि साइकिल यानी बाइसिकल की शुरुआत कब और कहां हुई और क्यों यह इतने चलन में आई। बात साल 1816 की है। तब इंडोनेशिया में माउंट तंबोरा नाम का एक ज्वालामुखी फटा था। इस आपदा में एक बहुत बड़ा क्षेत्र तहस नहस हो गया और वहाँ के लोगों के मुख्य आहार भैंस, बकरी, मुर्गी आदि सब जीव समाप्त हो गए, तो मजबूरन उन्होंने अपने घोड़ों को मारकर खाना शुरू कर दिया। हालांकि इससे उनका पेट तो जरूर भर गया लेकिन यातायात की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई क्योंकि यात्रा के एकमात्र साधन भी तब घोड़े ही हुआ करते थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए साल 1817 में कार्ल राइस नाम के एक शख्स ने बाइसिकल का निर्माण किया। हालांकि तब बाइसिकल में पैडल नहीं थे और उसे चलाने के लिए पैरों को जमीन पर रगड़कर उसे आगे बढ़ाना होता था। तब बाइसिकल को डैंडी हॉर्स या अलबेला घोड़ा नाम दिया गया था जो आगे चलकर बाइसिकल के नाम से जाना गया। साल 1864 में पैडल वाली साइकिल भी बनकर शुरू हो गई और धीरे धीरे पूरी तरह से चलन में आ गई। बहरहाल ये तो हुई साइकिल की शुरुआत की कहानी। आइए लौट आते हैं अपने मूल विषय यानी हीरो साइकिल पर। हीरो साइकिल की शुरुआत का श्रेय ओम प्रकाश मुंजाल जी को दिया जाता है जो मुंजाल भाइयों में से एक थे। बात तब की है जब देश का विभाजन हुआ था और उस बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से भारत आने वालों में अनाज व्यवसायी बहादुर चंद मुंजाल और ठाकुर देवी का परिवार भी था जो अपने चार बेटों सत्यानंद मुंजाल, ओम प्रकाश मुंजाल, ब्रजमोहन मुंजाल और दयानंद मुंजाल के साथ भारत तो आ गए थे लेकिन समस्या यह थी कि यहाँ काम क्या किया जाए। शुरुआती दिनों में मुंजाल भाइयों ने पंजाब के लुधियाना में फुटपाथों पर साइकिल के पुर्जे बेचना शुरू किया और वहाँ की गलियों में भी घूम घूम कर इस काम को किया। इसके बाद कारोबार आगे बढ़ा तो मुंजाल भाइयों ने खुद से साइकिल पार्ट्स बनाने का फैसला किया और इस काम को शुरू करने के लिए साल 1956 में उन्होंने बैंक से 50,000 रुपए का लोन लिया और लुधियाना में ही साइकिल पार्ट्स बनाने का अपना पहला कारखाना लगा लिया। कारखाना लग गया और पार्ट्स भी तैयार होने लगे तो मुंजाल भाइयों ने विचार किया कि क्यों ना साइकिल के पार्ट्स बेचने के बजाय खुद का साइकिल निर्माण किया जाए, इससे तो और भी ज्यादा लाभ होगा। बस फिर क्या था, मुंजाल भाइयों ने 25 साइकिलें बनाकर मार्केट में उतार दी जो देखते ही देखते हर किसी का ख्वाब बन गई। साल 1966 तक आते आते हीरो कंपनी प्रतिवर्ष 1,00,000 साइकिल तैयार करने लगी थी जिसने साल 1986 तक 22,00,000 से अधिक साइकिल तैयार कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। और सबसे बड़ी साइकिल निर्मित करने वाली कंपनी बन गई। बड़ों के लिए साइकिल बनाने के साथ जब हीरो कंपनी ने बच्चों के लिए साइकिल बनाना शुरू की तो यार बच्चे के जीवन का एक अहम हिस्सा बनती चली गई। जिसका नतीजा यह हुआ कि इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी और वादे के मुताबिक तय समय पर साइकिल मार्केट में देना कंपनी की जिम्मेदारी बन गई थी। बताया जाता है कि इसी दौरान एक बार हीरो साइकिल कंपनी में हड़ताल हो गई जिससे साइकिल का निर्माण बिल्कुल ही ठप हो गया। जिसे देखते हुए हीरो साइकिल कंपनी के मालिक ने खुद ही मशीन चलाकर साइकिल बनाया था। हालांकि उन्हें इस तरह के काम करते हुए देख कंपनी के ही कुछ अधिकारियों ने समझाया कि यह काम बाद में भी हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि आप सब चाहे तब तक घर जा सकते हैं लेकिन मेरे पास ऑर्डर है इसलिए मैं काम करूंगा। अगर साइकिल निर्माण नहीं हुए तो एक वक्त के लिए डीलर तो समझ जाएंगे कि हड़ताल के कारण काम नहीं हो रहा है, मगर उस बच्चे के मन को हम कैसे समझाएंगे जिसके माता पिता ने उसके जन्मदिन पर उसे साइकिल दिलाने का वादा किया होगा। हमारी हड़ताल की वजह से ऐसे कई बच्चों का दिल टूटेगा लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं हर उस माता पिता का किया हुआ वादा पूरा करूंगा जिन्होंने अपने बच्चे को साइकिल दिलाने का वादा किया है।
सफलता अच्छे अच्छों को बदल देती है, लेकिन मुंजाल भाइयों ने कभी भी अपने डीलर्स, वर्कर और ग्राहकों को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि खुद के फायदे से कहीं ज्यादा उनका ख्याल रखा। इस बात का ही उदाहरण है साल 1980 में घटी यह घटना, जब हीरो साइकिल एक लोडेड ट्रक एक्सीडेंट में जल गए। ऐसे में मुंजाल भाइयों ने अपने नुकसान के बारे में न पूछकर पहले यह जानना जरूरी समझा कि ड्राइवर किस हाल में है। साथ ही उन्होंने डीलर के पास दोबारा फ्रेश कंसाइनमेंट भेजा ताकि डीलर को किसी तरह का नुकसान न हो। 80 के दशक में हीरो साइकिल हर साल लगभग 22 लाख से अधिक साइकिलें तैयार कर साइकिल उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, और साल 1986 में हीरो साइकिल्स का नाम दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल उत्पादक कंपनी के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। भारत के अलावा अफ्रीका, एशिया और यूरोप के 89 देशों में साइकिल निर्यात करने वाली हीरो साइकिल कंपनी की साइकिल बाजार में 48% की हिस्सेदारी है। बीबीसी और वर्ल्ड बैंक से अपने बेहतरीन मैनेजमेंट की तारीफ पा चुकी हीरो साइकिल्स लंदन बिजनेस स्कूल और इनसीड फ्रांस में बिजनेस स्टडी का एक हिस्सा है। इसके अलावा ब्रिटेन ने साल 2004 में हीरो साइकिल कंपनी को सुपर ब्रांड का दर्जा भी दिया था। साथ ही 14 करोड़ से अधिक साइकिलों का निर्माण करने के लिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का दर्जा भी मिल चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हीरो साइकिल कंपनी के दुनिया भर में 7500 से अधिक आउटलेट्स हैं और 30,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। दोस्तों, हीरो साइकिल कंपनी की पहचान सिर्फ साइकिल तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यह हीरो साइकिल से हीरो ग्रुप तक का सफर तय कर चुकी है, जिसके बैनर तले मुंजाल ब्रदर्स ने साइकिल कंपोनेंट्स, ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स, आईटी सर्विसेज जैसे कई प्रोडक्ट भी तैयार किए हैं। ट्री हीलर हीरो मैजेस्टिक से शुरुआत करने वाली हीरो ग्रुप ने 1984 में जापान की बड़ी कंपनी होंडा के साथ साझेदारी की और हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसके साथ साल 1985 में पहली बाइक सीडी डिलक्स को लॉन्च किया गया। साल 2011 में ये दोनों कंपनियां अलग हो गईं और हीरो कंपनी हीरो मोटोकॉर्प बन गई। अगर इस वीडियो पर आप सबका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम हीरो मोटोकॉर्प पर एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। मुंजाल भाइयों में सबसे बड़े भाई दयानंद मुंजाल के 60 के दशक में हुए निधन के बाद अन्य तीन भाइयों ने कारोबार को संभाला था, जिसमें से ओम प्रकाश मुंजाल और ब्रजमोहन लाल मुंजाल की साल 2015 में और सत्यानंद मुंजाल के साल 2016 में मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान समय में हीरो कंपनी को ओम प्रकाश मुंजाल जी के बेटे पंकज मुंजाल संभाल रहे हैं, और बदलते परिवेश में हीरो कंपनी अब भी हर साल 75 लाख साइकिल बना रही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।